हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन तो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है और हम इसे आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे अब उसी क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछ रहा है नाउ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज फिल्ड टू द राइट ऑफ द सेकंड लेंस इन केस बी सच दैट द एरिया एलिमिनेटेड इन बोथ द केसेज इज सेम डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड तो इसने सेकेंड वाले केस में बी वाले केस में यहाँ पर एक लिक्विड फिल कर दिया है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बोल रखा है कि म्यू है अब हमें म्यू बताना है लेकिन इसने एक चीज़ और बोली कि जो एरिया है दोनों केसेस में इसमें और इसमें वो सेम है तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एरिया निकाला था तो फर्स्ट वाले केस के लिए एरिया आया था हमारा पाई और सेकेंड वाले केस के लिए हमारा आया था एटी वन बाय फोर सेंटीमीटर स्क्वायर अब अगर दोनों के एरिया हमें सेम गिवन है तो हमारी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हुई है बिकॉज फर्स्ट वाले केस में हम देख रहे थे हमारी जो रेस थी वो पैरल जा रही थी अब बी केस में जो कॉन्केव लेंस है हमारा उसका ये वाला सरफेस जो है वो इस लिक्विड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो ये वाला इमेज जो बनाएगा वो ऑब्जेक्ट पे बनाएगा अब हम सेकंड सरफेस के लिए स्फेरिकल वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो सेकंड सरफेस के लिए हम लगाएंगे तो हो जाएगा म्यू अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन पॉइंट फाइव अपॉन माइनस टेन इक्वल टू म्यू माइनस वन पॉइंट फाइव अपॉन टेन तो ये तो हमारा जीरो हो गया और ये इससे कट गया टेन और टेन भी हमारा यहाँ से कट जाएगा तो हमारा म्यू यहाँ से आ जाएगा थ्री तो जो हमारा लिक्विड है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है थ्री तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बेस्ट ऑफ लक